hey दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपनी जगह पर, डेस्टिनेशन पर। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, पीछे पूरी स्नो स्नो हो रही है, पूरी स्नो। ये देखिए, ये देखिए, हाँ ओमो भाई स्कीइंग करने जा रहे हैं। देखो मैं नीचे तक गया और बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है इस चीज़ में। मैं एक बार और करके आता हूँ। कस्तूरिया स्कीइंग करते हुए मनाली की पहाड़ियों में, ये बहुत बढ़िया। ये गिर गए, कैसा लग रहा है आपको गिर के? कैसा लग रहा है? गिरिजा दोस्तों देखिए कितना पानी आ रहा है ऊपर से, मज़ेदार। मन तो कर रहा है कि यहीं पे नहा लिया जाए, बट ठंड बहुत है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ओ रिवर साइड जा रहा हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है, दिखाता हूँ। बहुत दोस्तों, मैं जैसा बता रहा था आपको, ये देखिए दोस्तों, मैं पानी में थोड़ा सा गिर गया। अरे ठंड लग रही है यार, पानी मेरे बूट में आ गया था। अरे ये देखो, मैं यहीं गिरा था अभी। दोस्तों आई कांट एक्सप्लेन कि यहाँ पे कितना ज़्यादा सुकून मिल रहा है यहाँ पे। आई कांट एक्सप्लेन, हल्की हल्की हवा चल रही है और जैसा जो है, ये जो पानी का साउंड है ना, बहुत ही ज़्यादा स्वीट है इसका। ये देखो यहाँ सन बात ले लो, देखो सारे के सारे कहाँ चढ़े हुए। आओ तुम भी आ जाओ। आ रहे। ये देखिए, अब हम ऊपर जाते हुए वहाँ जाना है चढ़ के। अरे आई ओम से चीज वीडियो बननी है। अबे फोटो खींचे सारे।
फेंको फेंको मेरे पे बता दा ना कोई कैन यू स्मेल द रॉक इज कुकिंग चप्पा चप चप्पा चप दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है इसलिए मैंने ये अपना स्कार्फ अपने हेड पर पहन लिया है। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा बता नहीं सकता बट धूप भी ज़्यादा है, स्नो भी ज़्यादा है। देखिए सब थक चुके हैं, थके नहीं है, थोड़ी धूप सेक रहे हैं यहाँ पे बर्फ़ में बैठ के। बहुत मज़ा आ रहा है धूप सेकने। हाँ भाई जब बेइज्जती है, बिजी लग रहा है मुझे। अब हम बैठ चुके हैं एक जगह पे और हमारे पैर गीले हो चुके हैं बर्फ़ में पानी में, तो अब उनको सुखाया जा रहा है धूप के अंदर। धूप बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे। बाकी इधर बैठे हुए और व्यू देखो पीछे। हाँ कहाँ 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 थे तुम्हें, हम ढूंढ रहे हैं ये सारे दोस्त। तिवारी कहाँ हो भाई, क्या हो रहा है, लोग इंतजार बर्फ के मजे ले रहे हो? हाँ कॉल नहीं चल रही है ये। अबे भाई व्लॉग बन रहा है, व्लॉग सॉरी। हाँ हेलो पीपल्स, हाउस एवरीवन। देखिए दोस्तों शाम हो चुकी है और सूरज अपने घर को जाते हुए। दोस्तों देखो शाम हो चुकी है, सूरज अपने घर को जा चुका है और अब हम भी उठते हैं यहाँ पे। हमने बहुत बैठ लिया यहाँ पे सन के अंदर। ये देखो शौक सुखा रहे थे बाबूजी। जी हम निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर और सारे आदमी। ये मेरा भाई, क्या हुआ भाई, मजा आया? ठंड लग रही है भाई। ठंड लग रही है? हाँ भाई इन्होंने पानी में पैर डाले नीचे। मैं नहीं डाले, तिवारी डाले, भूल गया तू? तो तुमने नहीं डाले? हमने नहीं डाले भाई। अच्छा, हम इतने बेवकूफ नहीं है। अच्छा तिवारी था, तिवारी है ढेर हमारी तिवारी। ये तिवारी जी ने अपने सॉक्स गीले कर लिए हैं। ठंड लग रही है? अरे ठंड नहीं, नाम नहीं, ब्रांड ठंड वंड नहीं, मैं मोजो उतार खड़ा था, मोजो उतार के पानी में -6 डिग्री में। बहुत बढ़िया। ये भाई साहब हमारे गाड़ी वाले। हाँ जी तिवारी जी कहाँ जा रहे हो? अच्छा शाम हो गई जल्दी है ना, ठंड इतनी हो गई है। अब अपने रूम पे जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं डिनर के लिए निकलेंगे। फाइनली हम फिर से माल रोड पहुँच गए, पीछे गाड़ी खड़ी है हमारी। ये रहा माल रोड, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे। अब यहाँ से वॉक करके जाना पड़ेगा, चलते हैं। खाना हमारा आ चुका है, बिल्कुल देसी खाना मंगाया हमने। हाँ भाई कैसा है खाना, कैसा है? ढाबे पे खाना खाने का मजा ही अलग आता है। जो भाई है हमारा बहुत स्वीट भाई है हमारा, बहुत प्रेम से इसने खाना खिलाया है। इसने इतने प्यार से खाना खिलाया, अभी तक पूरे मनाली में किसी ने नहीं खिलाया। आओ इसमें ढाबा याद रखना भाइयों। क्या ढाबा है? अभी आपको आपको नाम बताएंगे। ढाबे का नाम बताओ। मदन ढाबे बने रहे नाम जानने के लिए। नाम खाना रजताली में मिलेगा और एक नंबर का सरसों का। बहुत बढ़िया। ये पीछे है मदन, मदन ढाबा, बहुत बहुत अच्छा खाना मिलता है। अगर आपको खाना हो यहाँ पे सस्ता और बढ़िया खाना, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, मनाली माल रोड पे ही रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम थोड़े से शॉपिंग करने आए नीचे, बहुत अच्छी मार्केट है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे। बहुत अच्छी मार्केट है और विंटर्स के सॉल्स वगैरह सब मिल रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको।
जो आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत अच्छी मार्केट है, और हम अपने होटल में जाते हैं। सुनो होटल में पड़ी हुई है, सुनो मार्केट अच्छी। अब हम अपने होटल में जाते हुए, ये हवेली है। तो ये हमारे पास ही है गोल्डन बाबा जो हमें हिमाचल में मिले, ठीक है, दिल्ली से हैं बट ये हिमाचल में रह रहे हैं, 32 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। तो पढ़ना यही है मैंने। इनको इतना पसंद आ गया हिमाचल ही गए, नहीं दिल्ली वापसी।